वेलकम टू ऑल इन वन। आज के वीडियो लेसन में देखेंगे कैसे एक पेंटागोनल प्रिज्म का सरफेस डेवलपमेंट बनाया जाता है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, ए पेंटागोनल प्रिज्म ऑफ 25 मिलीमीटर बेस एजेस एंड 50 मिलीमीटर लॉन्ग इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस विथ एन एज ऑफ बेस इज 45 डिग्री टू बीपी। तो क्या बोल रहा है, एक पेंटागोनल प्रिज्म है जिसका बेस है 25 मिलीमीटर एंड जिसका हाइट है 50 मिलीमीटर। तो जो बेस का पेंटागन है उस पेंटागन के एक साइड वर्टिकल प्लेन के साथ 45 डिग्री में है। एंड द प्रिज्म इज कट बाय सेक्शन प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एच पी एंड पासेस थ्रू ए पॉइंट 25 मिलीमीटर फ्रॉम द बेस अलोंग इट्स एक्सिस। तो क्या बोल रहा है, एक जो जो सेक्शन प्लेन है वो जो एक्सिस के एक्सिस से 25 मिलीमीटर ऊपर 30 डिग्री में उस पेंटागोनल पिरामिड प्रिज्म को कट किया है। तो उसके बाद बोला गया है कि ड्रॉ द डेवलपमेंट। तो इसका डेवलपमेंट बनाने के लिए बोला है। तो इसको करने के लिए पहले हमारा जो पेंटागोनल प्रिज्म है उस पेंटागोनल प्रिज्म का जो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बनाना है, मतलब के जो सिंपल प्रोजेक्शन एक बनाना है, उसके बाद सरफेस डेवलपमेंट करेंगे। तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। पहले एक रेफरेंस लाइन बना लेंगे जो हमारा प्रोजेक्शन करना होगा, उसके लिए रेफरेंस लाइन बना लिया। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि पेंटागन का एक साइड वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री में रहेगा, तो इसलिए जो पेंटागन था उसका एक साइड बना लिया है 45 डिग्री में। तो उसका जो लेंथ था वो था 25 मिलीमीटर, तो इसलिए 25 मिलीमीटर में मार्क लगाते हैं। और पेंटागन का इंटरनल एंगल कितना होता है, 108 डिग्री का। तो उस लाइन के दोनों तरफ 108 डिग्री करके दो पॉइंट लगाना होगा। पहले इस साइड में क्या हो गया, 108 डिग्री एक पॉइंट, और उसके बाद जो और एक साइड है उस साइड में 108 डिग्री का और एक पॉइंट लगाना है। तो सेकंड पॉइंट भी हो गया। अब दोनों पॉइंट को जोड़ना है, और वो जो पॉइंट जोड़ेंगे उससे पहले ही 25 मिलीमीटर लेके ही जोड़ेंगे। यहाँ 25, यहाँ हो गया और एक साइड, और इस साइड में भी 25 मिलीमीटर तक ही जोड़ेंगे लाइन को। ये पेंटागन का तीन साइड हो गया है। अब किसी भी एक बेस का साइड ले लेंगे कंपास, कंपास में ले लिया है। अब जो दोनों एंड पॉइंट है दोनों लाइन के, जो उस दोनों पॉइंट में बैठा के दो आर्क बनाएंगे। दो आर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट होगा उस पॉइंट को उसके बाद बाकी दो पॉइंट से जोड़ेंगे। तो ऐसे हो जाएगा पेंटागन का जो टॉप व्यू, पेंटागोनल प्रिज्म का टॉप व्यू कंप्लीट। इसके बाद इस सारे लाइन से प्रोजेक्शन उठाना पड़ेगा रेफरेंस लाइन तक, एक दो तीन चार पाँच, ये हो गया पाँच जो प्रोजेक्शन उठा लिया है। उसके बाद यहाँ पेंटागन के जो सेंटर पॉइंट है वो निकालना है। उसके लिए किसी भी एक कॉर्नर और ऑपोजिट जो बेस है उसका हाफ, यहाँ 25 मिलीमीटर का हाफ होगा 12.5 मिलीमीटर, 12.5 मिलीमीटर में मार्क करेंगे। उसके बाद एक कॉर्नर से उसको एक लाइन से जोड़ना है, एक लाइन लिया है, और ऐसे ही और एक कॉर्नर के साथ ऐसा ही करना पड़ेगा। इस कॉर्नर से ये जो लाइन है इस लाइन पे भी हम
12.5 मिलीमीटर के एक हिस्से में पॉइंट डाला है, उसके बाद ऑपोजिट कॉर्नर के साथ यहाँ जोड़ दिया है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये आ गया पेंटागन का सेंटर पॉइंट। अब इस पॉइंट से हम लोगों को सेंटर लाइन तोड़ना उठाना है। तो यहाँ से सेंटर लाइन उठाएंगे, ऐसे सेंटर लाइन जैसे होता है, हो गया सेंटर लाइन कंप्लीट। उसके बाद जो पेंटागोनल पिरामिड था उसका जो हाइट था 50 mm, उस हाइट को मार्क करेंगे। उसके पहले पेंटागन के सारे नाम दे दिए हैं, अभी जो 50 मिलीमीटर का हाइट था वो मार्क कर लेते हैं। ये हो गया 50 मिलीमीटर में मार्क। और वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। अब सारे जो प्रोजेक्शन उठाया था उन प्रोजेक्शन को इस हॉरिजॉन्टल लाइन तक एक्सटेंड करना होगा। ये जो पांच लाइन था पांच लाइन को ही एक्सटेंड करेंगे। ये हो गया दो लाइन, यहाँ से जो लाइन आ रहा है वो हो गया तीन नंबर लाइन। ये फोर्थ लाइन और ये फिफ्थ लाइन कंप्लीट। ये हो गया इस पेंटागोनल प्रिज्म का टॉप व्यू और फ्रंट व्यू कंप्लीट। अब जो प्रोजेक्शन का नाम वो ऊपर लाना है, ऐसे जहाँ पर जो था वहाँ पर वही नाम डैश बन के ऊपर उठ जाएगा उस पॉइंट पे। अब जो सेक्शन करना होगा, ये जो सेक्शन बोला था ये सेक्शन प्लेन एक्सिस में 25 मिलीमीटर ऊपर जाएगा और 30 डिग्री एंगल में। यहाँ पर तो यहाँ पहले मार्क कर लेते हैं 25 मिलीमीटर पे, यहाँ हो गया 25 मिलीमीटर पे मार्क। अब जो 30 डिग्री सेट स्क्वायर है उस सेट स्क्वायर की मदद से सेक्शन लाइन यहाँ ड्रॉ करना होगा। यहाँ 30 डिग्री सेट स्क्वायर और यह हो गया सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन जैसा होता है लॉन्ग डैश, छोटा दोनों डैश, उसके बाद एक लॉन्ग डैश, उसके बाद दो छोटे डैश, अब ऐसा। तो ये जो लाइन इस पॉइंट पे कट किया है उस पॉइंट पे नाम देना होगा, ए बी सी, उसके बाद डी, उसके बाद यहाँ पे ई ई डैश, सब नाम को डैश बना के दे देंगे। हो गया। अब एक पैरेलल एक लाइन बनाना है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन एक बना लिया है ये सरफेस डेवलपमेंट के लिए। अब एक उसमें एक वर्टिकल लाइन होगा और वो वर्टिकल लाइन का हाइट होगा 50 मिलीमीटर। वर्टिकल लाइन में 50 मिलीमीटर में पॉइंट ले लिया है और उस 50 मिलीमीटर पॉइंट पे भी एक और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जो पेंटागन के बेस साइज था 25 मिलीमीटर, किसी भी एक बेस के माप लेके, किसी भी एक बेस, क्योंकि सारे बेस 25 मिलीमीटर के ही है, यहाँ से स्टार्ट करके 25 मिलीमीटर करके एक एक करके पांच बार कटना पड़ेगा, दो तीन चार और पांच। यहाँ लाइन थोड़ा छोटा हो गया है इसलिए लाइन को एक्सटेंड करना होगा थोड़ा सा, हो गया। अब जो सारे पॉइंट मिला है पांच पॉइंट, उन पॉइंट पे भी एक 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 करके वर्टिकल लाइन उठाना है। सेट स्क्वायर की मदद से हम वर्टिकल लाइन उठा रहा है। ये हो गया दोनों, उसके बाद सारे पॉइंट से भी उठाना है।
ऐसे ही ये हो गया वर्टिकल लाइन उठाना कंप्लीट। अब सारे पॉइंट पे नाम देना है। यहाँ पे एक यहाँ से आ गया, दो दो नंबर यहाँ से आ गया, तीन आ गया यहाँ से, ऐसे ही 4, 5 एंड फिर से 5 के बाद 1। अब यहाँ जो 1 लाइन में जो वहाँ पे ए का छोटा सा ये वाला कंपास में लेना है और नंबर 1 लाइन पर ही काटना है। हमारे यहाँ नंबर 1 लाइन 2 था इसलिए 2 बार कटना होगा। उसके बाद नंबर 2 पे जाएंगे। नंबर 2 पे जो था बी, इस को लेके नंबर 2 पे एक बार कटना है। उसमें प्रॉब्लम हो गया है। हाँ अब हो गया। अब जो नाम था नाम लिख देंगे। यहाँ पर ये था 1 पे, 2 पे था बी, 3 पे होगा सी। तो कहाँ है सी देखते हैं। हाँ ये वाला हिस्सा लेके 3 पे कटना है और यहाँ नाम देंगे सी। उसके बाद पहले दे देते हैं सी, ये हो गया सी। उसके बाद 4 जो पॉइंट था, 4 पॉइंट कम आप, यहाँ हो गया डी। ये वाला हिस्सा ऐसे ही 4 नंबर लाइन पे कटना है, ये हो गया। यहाँ पर देते हैं डी और रह गया बाकी 5। 5 में कौन सा, ये वाला होगा, ये लेके 5 में एक बार कटना है, हो गया। यहाँ लास्ट नंबर जो था ई। अब ए बी सी डी ई और ए इनको एक स्केल के मदद से जोड़ना है स्ट्रेट लाइन में। अगर ये वाला ड्राइंग किसी कोन का या सिलेंडर का होता तब ये सारे पॉइंट कार्ब में जोड़ना पड़ता, पर ये जो ड्राइंग है ये एक प्रिज्म का है तो स्ट्रेट लाइन से ही जोड़ना होगा। अब ये सारे लाइन को थोड़ा डार्क बनाना होगा और बाकी सारे जो लाइंस है इस ड्राइंग में सारे इससे थोड़ा सा हल्का होगा। तो ये हो गया कंप्लीट। ये जो हिस्सा है यही है हमारा क्वेश्चन का पूछा हुआ सरफेस डेवलपमेंट। और यहाँ जो एंगल दिखाना होगा ये 45 डिग्री में था इसीलिए दिखा देते हैं 45। ये भूल गया था पहले। ठीक ओके।